हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ अपना लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। तो मैंने यहाँ पे दो दो मुट्ठी दाल ली हुई थी, अरहर की दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल, जो भी आपको दालें पसंद हैं वो आप ले सकते हैं। तो मैंने उनको 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था, तब तक बाकी के काम कर लिए थे। और सबसे पहले मैंने दाल को भिगो दिया था, फिर मैंने यहाँ पर चूल्हा जला के और उस पर एक हांडी रख दी है, और दाल अच्छे से भीग गई थी तो मैंने सारी दालें डाल दी हैं। और अच्छे से एक जग भर के मैंने पानी डाल दिया है, और फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है और हल्दी डाली है, और दाल हमारी अच्छे से पकने लगी है, आप देख सकते हैं। और बीच बीच में चलाते हुए मैं यहाँ पे दाल पका लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ दाल के लिए तड़का। तो लहसुन को मैंने अच्छे से छील लिया है, 8 से 10 कली लहसुन की ले ली है। और अच्छे से छीलने के बाद मैं इनको बारीक काट रही हूँ, और हरी मिर्ची को भी, जैसे भी आपको टेस्ट पसंद हो, तीखा पसंद हो खाना तो ज़्यादा हरी मिर्ची ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे कम ली है, तो 4 से 5 हरी मिर्ची लेके उनको भी मैंने बारीक काट लिया है। और अब विंटर स्टार्ट हो गया है, तो विंटर में ज़्यादातर लोग के यहाँ चूल्हे पे ही खाना बनता है, तो हमारे यहाँ भी चूल्हे पे खाना बनता है, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो चूल्हे पे खाना बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन विंटर में चूल्हे पे खाने बनाना में अच्छा लगता है, और अच्छे से थोड़ी गर्मी भी नहीं लगती है। और यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ, जब तक हमारी धीमी धीमी आंच पे दाल पक रही है, तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ के तैयार हो गया है, और दाल भी हमारी पक गई है। दाल को मैंने अच्छे से चला दिया है, और अब हांडी को कपड़े से पकड़ के, क्योंकि काफ़ी गर्म है, तो उसको मैंने नीचे उतार दिया है। और फिर यहाँ पे मैंने तवा रख लिया है। मैं ज़्यादातर जब छौंक लगाती हूँ, भगार लगाती हूँ, या तड़का लगाती हूँ दाल या किसी में भी, तो आयरन का जो ये लोहे का तवा है ना, वही यूज़ करती हूँ। इससे तड़का काफ़ी टेस्टी बनता है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, और फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि टेस्ट अलग था या नहीं। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच डाला है देसी घी, और घी हमारा अच्छा गरम हो जाएगा। फिर इसमें हम डालेंगे 3 से 4 पिंच हींग, और उसके बाद हींग अच्छे से भुन जाएगी, तो उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1/2 चम्मच जीरा, हींग और जीरा अच्छे से चटक जाएगा, फिर उसको अच्छे से मिला देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने लहसुन काट के रखा था वो डाल देंगे, और इसमें हम हरी मिर्ची भी डाल देंगे, और मैंने इसमें डाला है कुटा हुआ अदरक। अदरक को मैंने बारीक एकदम कूट के डाला है, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। बारीक काट के मैं नहीं डालती हूँ, मैं अदरक को हमेशा कूट के डालती हूँ या ग्रेट करके डालती हूँ। तो यहाँ पे अदरक वगैरह डाल के अच्छे से तड़के को मिक्स कर देंगे, और तड़के को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे मैं बीच पे कम, आग भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको भी कम करती जा रही हूँ, नहीं तो तड़का जल जाएगा। तो यहाँ पे तड़का मेरा हो गया है तैयार, तो इसको मैंने दाल में डाल दिया है, हांडी में जिसमें हमारी दाल थी उसी में हमने तड़के को डाल दिया है, और अच्छे से मिक्स कर दिया है। दाल हमारी तैयार हो गई है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। चूल्हे की दाल हो या रोटी हो, टेस्ट, मतलब चूल्हे के खाने का टेस्ट ही अलग आता है, स्वाद ही अलग आता है, और बहुत अच्छा लगता है, और हेल्दी भी रहता है, गैस वगैरह नहीं बनती है। पर डेली की जो बिजी लाइफ होती है तो उसमें डेली बनाना पॉसिबल नहीं होता है चूल्हे पे काफी लोगों के लिए। तो यहाँ पे मेरी दाल और रोटियां बनके तैयार हो गई हैं, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मैं वो रेसिपी भी पोस्ट करूँगी। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। जय माता दी। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। जय माता दी। थैंक यू।